आदित्य बन चुके हैं खतरों के खिलाड़ी और ऑफ रोडिंग करके शांति स्तूपा पे लेके जाएगा ही जाएगा। कह रहे मैंने तो सनसेट देखना है, मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी भाई साहब। बस अच्छे से बस कर। हेलो एमजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल, आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। पिछले व्लॉग में आपको ये पता चल चुका था हम पहुंच चुके हैं लेह लद्दाख। 3 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतने ज़्यादा थक चुके हुए थे ना कि आज बहुत ही ज़्यादा आराम से उठे हुए हैं और आराम से उठने के बाद लग चुके हैं सारे काम में। ये देखो यहाँ पे चल रहा है ब्यूटी पार्लर वाला काम, अंचल पे डेमो टेस्टिंग हो रही है बाय द फेमस मुक्ति गौतम चपरासी और आदित्य गौतम यहाँ पे लगे हुए वीडियो को अपलोड करने की कोशिशें करने, नेटवर्क है ही नहीं। ट्रैवल व्लॉग की ना एक चीज हमें पता चल चुकी हुई है कि अपनी तरफ से ना पूरी तैयारी करके चलो, किसी पे भरोसा मत रखना। क्योंकि जब हम इस होटल की बुकिंग कर रहे थे मैंने कॉल करके पूछा था कि भाई साहब इंटरनेट की स्पीड कैसी है, कहता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको नेट की स्पीड ही नहीं मिलेगी। बात वही कि धीरे धीरे पता चलता है, एक्सपीरियंस होता है कि आपको किन किन चीजों को साथ में लेके चलना है। तो हमारी वीडियो अपलोड हो नहीं पा रही है, एडिट हो चुकी हुई है, पर लगे हुए कोशिशें करने, शायद आज एक वीडियो तो डल जाएगी। एंड अभी बस हम ले को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं यार, कुछ बढ़िया सा खाया नहीं, मैगी और दाल चावल भी जी रहे हैं, आज स्वाद सा खाएंगे। अभी फिलहाल हमने लद्दाख को एक्सप्लोर करना शुरू किया नहीं है, बट जितना भी देखा है ना बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। स्पेशली ये जो इनके घर होते हैं ना, होटल्स वगैरह होते हैं हर जगह, उन्होंने ये लक्कड़ का काम किया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। कहते क्या होगा इसको यार, भैया को पता होगा, भैया से पूछते हैं। भैया इसको क्या कहते हैं ये जो आप सिंक सक, असल लद्दाखी कल्चर है यहाँ, लद्दाखी कल्चर है जी। पहले तो हाथ से बनाते, पहले हाथ से बनता था, अब तो ये सब क्योंकि सबका सेम सा, तो वो मोल्डिंग बहुत टाइम लगता था ना, अभी तो मशीन से बनाता है ना, फटाफट बन जाता है। अच्छा, तो पहले ये जो है ना इसको जो ना मंदिरों में होता था, गुम्पाओं में। अच्छा, पहले मंदिरों में होता था। हाँ, पहले घरों में होता था, छोटा छोटा खिड़कियाँ और बिल्कुल सिंपल होता था। अच्छा, अभी तो सब डिजाइनर हो गया, पैसा आ गया, थोड़ा इकोनॉमिकली डेवलप हो गया, तो सब ऐसा ही लगा रहा है। और ये है जी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये खुद की अपनी सब्जियां उगाते हैं और रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा यार इनका, बहुत ही छोटा सा होटल है बट अच्छा है, इट्स लाइक ए होम स्टे। यार कितनी प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली है, पूरे व्हाइट कलर की है यार। ऐसे अभी अभी एक दिक्कत हो गई इसके साथ, बेचारी के साथ इसकी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो गई एक्सीडेंट में, तो आई होप शी रिकवर सून, हो जाएगी ठीक हो जाएगी। यार लेह लद्दाख आते वक्त रास्ते पे इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर जगहें आई थी ना कि हमारा मन ही नहीं किया कि वो चिप्स के पैकेट, पानी की बोतल बाहर फेंक दे, तो वो सारा कुछ हमने गाड़ी में रख लिया था। अभी हम कूड़े को इकट्ठा कर रहे हैं फेंके के डस्टबिन में, मतलब ये जो चेंज है ना वो हमसे ही आएगा जब हम सोचेंगे कि हमने अपने सिटी को ब्यूटीफुल बनाना, अपने शहर को ब्यूटीफुल बनाना, अपनी कंट्री को ब्यूटीफुल बनाना है, तभी ये चेंज आएगा। और इतनी सुंदर सुंदर जगहों को अगर हम एक हाई लेवल पे, मतलब कि वर्ल्ड क्लास, लोग टूरिस्ट आए और बोले कि इंडिया जैसी सुंदर जगह है नहीं है, तो ये चीज तो हमको करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है ना, हमने जानबूझ के चॉकलेट्स वगैरह ले ली थी रास्ते में, भूख लगी, कुछ एनर्जी वाला कुछ खा लिया करेंगे कि सफर जल्दी तय हो। हाँ। तो वो सारे चॉकलेट के रैपर इसमें भर लिए। अगर आप भी कभी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो ना, प्लीज बाहर प्लास्टिक वगैरह ना फेंका करो, उसको डीकम्पोज होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और रैपर वगैरह भी ऐसे लिटर ना किया करो, गाड़ी में एक लिफाफा रखो, उसमें रखो, डस्टबिन आया फेंक देना, अच्छा है, सिंपल सी चीज है। अभी फिलहाल ना 12 बज रहे हैं एंड हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आज हमने पता क्या सोचा है कि दिन की शुरुआत जो है वो करेंगे तिब्बतन खाने से। मुक्ति, तिब्बतन खाना तूने कभी खाया? क्या खाया? मोमो। मोमो मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिव चीज है, कई लोग कहते हैं मोमोज नेपाली है, कई कहते हैं तिब्बतन है, वो बाकी आप कमेंट करके बता दो। अंदर जाके देखते हैं मेन्यू में क्या है। आदि भाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, जो कुछ भी ऑर्डर होगा ना तिब्बतन होगा। आज खाना हमने सुबह तिब्बतन या ओनली तिब्बतन। तुम्हारे बोलने से पहले एक तिब्बतन चीज मैंने फाइनल कर भी ली है, वो है वेज थुप्पा। भाई एक बार हमने चंडीगढ़ में खाया था वेज थुप्पा, सिर्फ एक बार नहीं, जो हमने ऑथेंटिक खाया था। अब हम मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि वो कितना ऑथेंटिक था, क्योंकि यहाँ तो ऑथेंटिक ही होगा। और देख लो तेरे लिए भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, ओनली तिब्बतन फूड। और ये देखो लगे हुए कोशिशें करने अपना व्लॉग अपलोड करने की, जो हो नहीं पा रहा है, स्पीड आ रही है अपने, स्पीड आ रही है, यहीं बैठ जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनको बोलते हैं मंजे बिछा दो, हमारे नेट तक तिब्बतन खाते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खा लूंगा। बस वो प्रॉब्लम है हमने ले घूमना है। तूने कभी खाया अंचल तिब्बतन? नहीं, मोमोज ही खाया, पता नहीं वो तिब्बतन है कि कहाँ के हैं। लोकेशन में आ गया थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मैडम जी को लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी और आ चुका है ये थुकपा वेज नॉन वेज, एंड मेरा जोड़ीदार नॉन वेज देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, वो नहीं ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ओए होए डूडल डूडल्स, और अगर स्पाइसी नहीं होएगा तो साथ में ये चटनी होएगा, थोड़ा ब्लेंड है, मसाले डालो। एक बात बताऊं,
मुझे ना जो चंडीगढ़ में देसी इंडियन स्टाइल में मिलता है वो ज्यादा स्वाद लगा था। ये थोड़ा सा ऑथेंटिक ज्यादा हो गया, चीज में खुद ही डालना पड़े सारा कुछ, क्या मजा है। ओए होए आ चुके हैं मोमोज, और यहाँ के मोमोज में ना एक चीज बहुत ज्यादा अलग लग रही है, साथ में सलाद भी दिया गया है, मतलब ये तेरे लिए सलाद है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। अमीर मोमोज क्या बात है, चटनी बड़ी टेस्टी लग रही है, चटनी सच्ची में अलग है यार। वैसे तो हमें वो मिर्च वाली चटनी खाने की आदत हो चुकी है, पता नहीं ये कैसा। ओए होए यार मैं सच्ची कह रहा हूँ, इतने स्वाद मोमोज कभी नहीं खाए मैंने आज तक, और स्वाद स्वाद में ना ओवर ईटिंग हो चुकी है। मेरा तो मन कर रहा है वापस चलते हैं होटल में सोते हैं। हमने पता क्या किया हमें, मेरे को वेज मोमोज इतने अच्छे लगे ना, मैंने एक प्लेट और ऑर्डर करी। हाँ। और इन्होंने मटन मोमोज उसके बाद खाए, इन्होंने वेज भी खाए मटन भी खाए। चक्कर पता क्या हुआ, मैंने मटन मोमोज ऑर्डर किए थे जो कि टाइम पे आए नहीं। हाँ। वेज में इनके भी खा गया, उसके बाद मटन खाने पड़ गए। ओए होए पर बहुत अच्छा था खाना, वाज वेरी नाइस। और अभी हम ना लोकल ले घूमने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, और पैंगोंग की भी हमने बुकिंग करानी है। तो अभी हम यहाँ पे बाहर ट्रैवल एजेंट्स पे थोड़ा सा देखते हैं, रेट्स कंपेयर करते हैं, बुकिंग कराते हैं और आपको दिखाते हैं लोकल ले में क्या क्या घूमने। अपनी सुस्ती को रख दिया मैंने साइड पे, और अब हम जा रहे हैं देखने जादुई पहाड़ जिसको मैग्नेटिक हिल भी कहते हैं। मुक्ति वहाँ पे ना मैं तुझे ऊपर से नीचे फेंकूंगा, तू नीचे तो आएगी पर तू और ऊपर जाएगी, ऐसा कहते हैं। यार आदि बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, इसकी ना साइज शुरू से खराब है यार। देखो ये जो मैग्नेटिक हिल है ना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और बोला ये जादुई पहाड़ है, तो ये वर्बली ना समझ नहीं आता। एक बार हमारा कुछ ऐसा है कि एप्पल नीचे फेंको तो ऊपर को जाता है, ग्रेविटी उल्टी चलती है यहाँ पे, मे बी शायद ऐसा कुछ है। गौतम साहब आप बताइए क्या सिस्टम है यहाँ पे। नहीं ये इतना तो मुझे भी नहीं पता क्या है, बट ऐसा कहते हैं कि मैग्नेटिक हिल पे वो नीचे को स्लोप है, तो गाड़ी नीचे जानी चाहिए, पर अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल पे छोड़ दो तो गाड़ी पीछे को आती है। ओ भाई साहब मतलब हैरानी की बात है कि स्लोप पे गाड़ी पीछे को आती है। सुनने में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग सा लग रहा है, और वर्बली समझ भी नहीं आ रहा है, वहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं यार। मैग्नेटिक हिल का रास्ता, सुहाना सफर, जिंदगी हसीन, रास्ता बहुत ज्यादा बढ़िया है। और यार जितना ये प्यारा स्काई मैंने लद्दाख में देख लिया ना, पूरे रास्ते में इतना प्यारा स्काई वगैरह कहीं पे होता नहीं है। मुझे तो लग रहा है ऊपर ना दीवार बनाई हुई है, ऊपर पेंटिंग है, ये नकली है सब कुछ, फिक्शन। तो ये अभी हमें मैग्नेटिक हिल पे, और गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है, और ये प्लेन रोड है। एक बार एक्सटीरियर से दिखाते हैं, मतलब ये देखो प्लेन खड़ी है, गाड़ी प्लेन जगह पे गाड़ी खड़ी है, और प्लेन पे खड़ी हुई है कुछ। मतलब थोड़ा सा पोल तो है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए ना मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा स्लांट भी है बुक्ति, हल्का सा। तो ये था जादुई पहाड़, ये मैंने पहले भी विजिट किया हुआ है, मुझे ठीक ठाक लगती है जगह। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पहाड़ है ना वो हल्का सा स्लांट पे है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी, बट वो जो माउंटेन है उस पे रिसर्च वगैरह हुई है, तो उसमें मैग्नेटिक पोल वगैरह है। एंड ओए 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 क्या चीज है ये, बकरी। ये क्या था दी, ये यहाँ की लोकल गोट है ना मुक्ति, तू बता रही थी। आई डोंट नो वीडियो में वो चीज कैप्चर हुई या नहीं हुई, पर वाइल्ड गोट थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। और इतने ज्यादा ये मतलब कि इनमें क्या बोल रहे हैं मुक्ति, टैलेंट होता है, पहाड़ की टॉप टॉप पे चढ़ जाती है, जादुई शक्ति यहाँ पे बहुत बहुत जादू मिलता है। और ये है जी वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरुद्वारा, पिट साहब गुरुद्वारा है, और ये सारा गुरुद्वारा जो है ना आर्मी कंट्रोल करती है। अभी गुरुद्वारे में हम जा नहीं रहे क्योंकि रश बहुत ही ज्यादा है वहाँ पे, पर इसको मैंने पहले विजिट किया हुआ है। यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि आई डोंट नो कौन से गुरु, गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी, आई एम नॉट श्योर, बट उनकी पीठ पे ना किसी ने पत्थर फेंका था या पत्थर आके गिरा था, और वो पत्थर जो है वो मोम बन गया था, और पूरी जो शेप है ना उनकी पीठ की उस पत्थर पे आई हुई है, तो वो गुरुद्वारा है। बाकी डिटेल में अगर जानना तो एक बार गूगल कर लेना पिट साहब गुरुद्वारा। आज ना हमने पूरा टूरिस्ट वाला काम करना है, पहले तो हम चले गए मैग्नेटिक हिल, और अब जा रहे हैं लेह पैलेस। पर एक चीज है, लेह पैलेस से जो व्यू है ना, ओए होए होए अभी थोड़ा सा ही देखा है, अच्छे से देखते हैं रास्ता कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। बुक्ति स्टोरी बता, यहाँ पे कौन रहता होगा, एक था राजा एक की रानी, और ये था उसका पूरा का पूरा राज। क्या बात है यार, राज काफी था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रानी का नाम था मुक्ति गौतम। बस बस हो गया। यार आदि तू एक चीज देख रहा है, ये जो फोर्ट है ना ये है 400 साल पुराना, उस टाइम पे भी व्हीलचेयर वाला सिस्टम होता था। ये देख पौड़िया यहाँ पे, ये दूसरा रास्ता भी है। क्या पता पहले अभी बनाया हो, नया नया छत देखो यार, क्या बात है क्या बात है। मैं तो ऐसे ही अपने घर पे फॉल सीलिंग करवा ली, ये करवानी चाहिए थी। और आपको पैलेस के अंदर ये हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती है, जो लोग इसके शौकीन है वो पढ़ सकते हैं यार। मोनेस्ट्री की ना सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्यूट सा मोनेस्ट्री है, व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, पर एक चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो दरवाजे है ना बहुत ज्यादा छोटे हैं, सिर पे बजा मेरा दरवाजा। मतलब पुरानी चीजों में मुझे लगता है हाइट जो होता है लोगों की छोटी होती थी। तुम लंबे हो, मैं लंबा, तो पहले जो लोग होते हैं वो छोटे होते थे हाइट में।
पहले बोलने की बात नहीं है, अपने हिसाब से बनाया अगले ने अगले यार फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बनाया करो, लंबे लोग भी आएंगे कभी, मैं तो चलो अभी भी फिर भी मीडियम हूं, मेरे से लंबे लंबे का क्या होगा, जोर से बजती है 400 साल पुरानी लकड़। उनको ये लिखना भूल गए कि माइंड योर स्टेप, उन्होंने लिखा भी है। अच्छा लिखा है, हम पढ़ना भूल गए। पैलेस के अंदर मंदिर का भी इंतजाम किया गया लगता है। ओहो नाइस, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितनी पुरानी सी फील आ रही है, सच में समय 400 साल पीछे चले गए हैं ना। सच में कलरफुल है ना, और ये जो लाइट है मेरे ख्याल से नेचुरल लाइट ऊपर से आ रही है। वाओ, ये वीडियो में अच्छे से देख नहीं रहे होंगे बट ये स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं शायद। हां हमें लग रहा है बट बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से यार। वाओ यार ये वाला पॉइंट जो है ना ये मुझे पैलेस का सबसे बढ़िया लगा। ओए होए इसको व्यूइंग डेक कह सकते हैं यार, वहां पे ऊपर है मॉनेस्ट्री, वहां से व्यू कैसा होएगा यार, वहां से ये पैलेस भी ऐसा पिद्दू सा दिख रहा होएगा। और कुछ लोग ना यहां पे ना रास्ता है वहां से मॉनेस्ट्री तक पैदल, ये आपको दिख रहा होएगा। और वहां पे दो चींटी जैसे जो दिख रहे हैं वो दो लोग इंसान है उधर, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं तुम्हारे चींटी जैसे इंसान। अगर आप ले पैलेस आ रहे हो तो मेरे ख्याल से सिर्फ व्यू के लिए आओ, बाकी तो यहाँ पे आपको राजस्थान के पैलेस वाले वो नहीं मिलने वाली आपको। हाँ मतलब इसमें वो नहीं कह सकते कि राजघराना टाइप वाली चीज नहीं है पर व्यू है। सुबह से इतने ज्यादा टूरिस्ट वाले काम कर लिए हुए हैं, इतनी ज्यादा जगह एक्सप्लोर कर ली हुई है कि थकावट हो गई हुई है। अब हम सोच रहे किसी और कंट्री का, किसी और मुल्क के डिशेज ट्राई करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, इंडिया में ही है हम। यार सुबह तिब्बत ट्राई किया, आज कोई और कंट्री वाला सब कोई नेक्स्ट। इस बंदे के ना मैं कह रहा हूँ भाव भी बढ़ रहे हैं और नखरे भी ज्यादा हो रहे हैं। देखो व्हेन यू आर ऑन वेकेशन एक्सप्लोर द मोस्ट यू कैन। मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा मेरा तो कब नहीं करता है। इसने आज तक इसने बोला मेरा कुछ मन कर रहा है नमकीन खाने का। जो हमने सुबह तिब्बतन खाया उसमें हमने काफी ज्यादा खा लिया तो अभी तक पेट भरा हुआ है। कुछ मीठा खाते हैं, कुछ हल्का हल्का देखते हैं। तो हमने ना वैसे एक बहुत ही क्यूट सी बेकरी या फिर कैफे कह लो वो देखा है, वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं स्वीट स्वीट सा। यहाँ पे ये हनी केक है, लेमन केक है, चॉकलेट केक है, पता नहीं क्या कुछ है। मुक्ति का बस चले सब कुछ। मुझे क्रिसॉन भी खाना है, मुझे सिनेमन रोल भी खाना है, मुझे लेमन केक भी खाना है, मुझे पीनट चटनी भी खानी है, मुझे मूत्री कुकी भी खानी है, सब कुछ खाना है। ये देखो आदित्य ने मंगाई है अपने लिए ब्लैक कॉफी, मैंने मंगाया अपने लिए जूस वो फॉर अ चेंज, और ये व्हाट इज दिस आंचल व्हाट इज दिस। यार आप भी पी के देखो। बॉटल तो मतलब की है ना हेरा फेरी वाली है, फील देने वाली है। बट एप्पल जूस है, ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे ये कश्मीरी एप्पल जूस है, फ्रेश है। हाँ दिस इज नाइस, जैसे वो HPMC के आते वैसे ही है। HPMC का ज्यादा टेस्टी होता है इससे, बट दिस इज ऑल्सो रिफ्रेशिंग। ये हिमाचल वाले है ना तो अपनी चीज को ज्यादा प्रमोट करेंगे। सच्ची में HPMC वाला ज्यादा टेस्टी होता है, कश्मीरी वाला भी अच्छा है बट ये रिफ्रेशिंग बहुत है। हाँ, अच्छा लग रहा है। वो फ्रिज में से निकाला इसलिए। टेस्ट और फ्लेवर नाम की भी चीज होती है। और हमने वैसे सोचा था आके यहाँ पे मीठा खाएंगे बट आंचल ने मूड बदल दिया यहाँ पे। आंचल कह रही पास्ता पिज्जा, हमने कहा वाह पास्ता पिज्जा। मतलब तूने जब बोला ना मैंने मेरे मन में यही है तेरे मुंह में पिज्जा पास्ता ही हुए। वो नाइस, पहली बार फूला है मेरा। सच्ची में बहुत ही चीजी चीज है। आज ना जिंदगी में पहली बार याक चीज वाला पिज्जा खाया, मुझे तो पता ही ना याक चीज भी होता है कुछ। और सच्ची बोलू मजा ही आ गया, स्वाद आ गया, आनंद आ गया। और अब हम जा रहे हैं जरा एंजॉय करने सनसेट। आज तक कभी तूने पहले सनसेट एंजॉय किया हुआ? सनसेट सनसेट एंजॉय करने वाली चीज होती है। सूरज हर दिन उगता है, हर दिन तो डूबता है, उसमें एंजॉय क्या करना है। पर आज हम व्यू के साथ एंजॉय करेंगे उसको। आज वो भैया ने ना बहुत ज्यादा हमें ऐसे समझा दिया ना कि सनसेट पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज है। तो हमने सोचा यहाँ पे ना शांति स्तूपा बहुत फेमस जगह है, तो वहाँ पे ऐसे स्तूपा बना हुआ है, बहुत टूरिस्ट भी वहाँ बहुत जाते हैं, लोकल लोग भी बहुत जाते हैं। तो हमने सोचा वहाँ हम जा ही रहे हैं, काफ़ी हाइट पे है तो वहाँ से सनसेट भी देख ही लेंगे, क्या पता वो हमारा नॉर्मल सनसेट रोमांटिक सनसेट में बदल जाए। मेरा और मुक्ति का तो हो सकता है, तेरा क्या होगा? मैं शांति स्तूपा को जब भी डाल लूंगा वहाँ पे ना ऊपर जाके वो स्पॉट है जो सनसेट वाला इंजॉय करना है। और ये पौड़ियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर लग रही है, और गाड़ी वाला जो रास्ता है ना वो तो जी हुआ हुआ है हाउसफुल। तो हमें इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि रश वाली जगह में जाए। जाने को पौड़ियों से जा सकते हैं, हिम्मत बहुत है हमें, बट रश बहुत ज्यादा है। अरे रश वाली जगह बहुत ज्यादा है और गाड़ी का रास्ता बहुत ज्यादा गंदा है यार, वहाँ पे गाड़ी चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अपने सुखना लेक का सनसेट एंजॉय करेंगे। आदित्य बन चुका है खतरों के खिलाड़ी और ऑफ रोडिंग करके शांति स्तूपा पे लेके जाएगा ही जाएगा। कह रहे मैंने तो सनसेट देखना है, मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी। भाई साहब बस अच्छे से बस कही। हमने सोचा था कि ये ऑफ रोडिंग करते करते यहाँ पे ऊपर स्तूपा तक चले जाएंगे बट हो नहीं पाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल रास्ता है। हमारी गाड़ी के लिए तो स्पेशली ज्यादा ही मुश्किल है। तो आदित्य अब
वापस बैक, बिल्कुल सीधा चलते रहो, ठीक है यार। मैंने ना लगाया साहब पहाड़ों पे ना सबसे ज्यादा कामयाब गाड़ी जो है वो है ऑल्टो। भाई साहब जितनी ज्यादा पावर के साथ वो गाड़ी चढ़ती है ना कोई गाड़ी नहीं चढ़ सकती, तो ईस्ट और वेस्ट ऑल्टो इज द बेस्ट। अभी ना फिलहाल 7:30 हो रहे हैं एंड देख के लग नहीं रहा कि इतना ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है, बट आज हमने काफी ज्यादा ट्रैवल कर लिया, तो हम सोच रहे हैं आज के लिए ट्रैवलिंग वाला काम खत्म, अभी रूम में जाके थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और उसके बाद चलते डिनर के लिए। यार वैसे देखा जाए आज इटालियन खा लिया, तिब्बतन खा लिया, रात को क्या खाए, रात को इंडियन ही खाएंगे क्योंकि खाएंगे थोड़ा लाइट सा खाएंगे हम ना, वो वाले देसी है, सारा कुछ खाने के बाद एंड इंडियन पे करते हैं, घूम फिर के घर पे ही आ जाते हैं। अभी ना हमारे साथ हो चुकी है बहुत ज्यादा तगड़ी क्लोल। मैं ना आपको एडवाइस करना चाहूंगा, कभी भी अगर आपके माइंड में ऐसा थॉट है ना एक बार होटल में जाके थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद कहीं पे जाते हैं, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सबने सुस्ती डाल दी हुई है और अब विराजमान हो जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ के देखते हैं कुछ खाने पीने का, वैसे भी अभी तक पेट भरा हुआ है, मुक्ति को शायद रात को भूख लगे तो वो हमारा सिर खा लेगी। एंड इसी के साथ जो वीडियो है वो करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, रीति रिवाज पूरे कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो।